आई एम संदीप कुमार, वेलकम टू योर चैनल स्टूडेंट लर्निंग प्लेस। आज मैं आपको ज्योग्रामेट्री का पार्ट टू बताने जा रहा हूं दोस्तों। अगर आप पार्ट वन नहीं देखे हैं तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर के या आई बटन पे क्लिक करके आप पार्ट वन देखें, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। ज्योग्रामेट्री में यहाँ पे जैसे कि मैंने कल पढ़ाया था आपको कि किसी भी राइट ट्रायंगल में कोई भी भुजा दिया रहता था, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि राइट ट्रायंगल में भुजाएं दे दिया रहता था 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इस पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अगर आपको राइट ट्रायंगल में कोई भुजा न दिया रहे तो आप कैसे ये फाइंड करेंगे। जैसे आप लिखते हैं साइन थीटा का वैल्यू आपको प्राप्त करना होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये आपका परपेंडिकुलर है, लंब है, और ये बेस है, आधार है, और सब में यहाँ पे 90 डिग्री है। ये तो आप दिखा नहीं कर सकता, नहीं है, यहाँ पे कर दिया जा रहा है। तो इसमें हम लोग को ये कर्ण निकालना होगा, हाइपोटेनियस निकालना होगा। हाउ टू फाइंड हाइपोटेनियस, इसमें आपको परपेंडिकुलर निकालना है, इसमें आपको हाइपोटेनियस निकालना है, कर्ण निकालना है, इसमें आपको परपेंडिकुलर निकालना है। क्योंकि जब भी हम साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए आएगा दोस्तों, तो साइन का वैल्यू ये कॉस का है और ये टैन का है। तो साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच होता है, या हिंदी मीडियम लोग ये समझ सकते हैं, एल बटा के समझ सकते हैं। तो यहाँ पे लंब और कर्ण की आवश्यकता पड़ा, तो कर्ण तो है ही नहीं इसमें। तो पहले हाउ टू फाइंड हाइपोटेनियस, पहले आप कर्ण की प्राप्ति कैसे करते हैं। तो कर्ण की प्राप्ति करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होता है, लेकिन 10th क्लास में हम आपको पाइथागोरस थ्योरम सिद्ध करके दिखलाएंगे, लेकिन तत्काल के लिए आपको केवल सूत्र याद करना है। तो हम आपको आज यहाँ पे एक फॉर्मूला बता रहे हैं। सूत्र होता है h² = p² + b², दैट मीन्स इन हिंदी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही सूत्र होता है। अब इससे फॉर्मूला से इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला निकल सकता है, लेकिन अगर इसमें कर्ण और हाइपोटेनियस और बेस दिया रहे तो हाउ टू फाइंड परपेंडिकुलर, आप लंब कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बराबर के सामने बराबर दिया हो ये। अब यहां से आपको इसी फॉर्मूला को देखना है, लंब स्क्वायर को चुपचाप उधर छोड़ दीजिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर को, यानी इसको हम कह सकते हैं p² h, ये हाइपोटेनियस ये लिखा हुआ है, चुपचाप है ये, कर्ण का स्क्वायर ये लिखा हुआ है। अब आपको लाना है बेस को, इधर ला देना है, तो बराबर के इधर बेस प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी आधार का वर्ग। और इसी तरह से अगर आपको, तो यहां से फाइनल आंसर प्राप्त हो गया आपको, अगर आपको पुनः आधार स्क्वायर इधर लाना हो और बाकी को हमें आधार लाना है केवल, तो कर्ण को इधर लिख देंगे, क्योंकि ये तो लिखा ही हुआ है ना, और बुलाना है आपको किसको, लंब स्क्वायर को, कर लेंगे ऐसे। यहाँ से आपका पाइथागोरस ट्रिपल, ये पाइथागोरस है, प्रमेय है। नेक्स्ट में चलते हैं यहाँ पे कि आपको क्वेश्चंस में इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी कुड बी इज अ राइट एंगल, देन हाउ टू फाइंड द हाइपोटेनियस एंड दैट मीन्स ए सी, ए सी की प्राप्ति आप कैसे कीजिएगा। तो ए सी की प्राप्ति के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे हमें यहाँ पे ए सी को कर्ण कहेंगे, ये हाइपोटेनियस है, ये पी है और ये बी है, दैट मीन्स हाइपोटेनियस कर्ण, पी फॉर परपेंडिकुलर लंब, बी फॉर बेस आधार। तो यहाँ से ध्यान देंगे हमें हाइपोटेनियस निकालना है, तो कर्ण का ये सूत्र होता है h² = p² + b², हमें h चाहिए ना, तो इधर छोड़ देते हैं। p का वैल्यू कितना दिया है 4, प्लस b का वैल्यू कितना दिया है b फॉर बेस 3 का स्क्वायर, ये थोड़ा सा ब्रैकेट में यूज किया जाता है, तो h² बराबर यहाँ से 16, 19, यहाँ से 25, तो यहाँ से दोस्त आ जाता है h = √25, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान देखेंगे यहाँ से, अगर इसमें ध्यान देंगे ये वाला वैल्यू, इसमें आपको परपेंडिकुलर p बराबर वाट है, p का वैल्यू नहीं प्राप्त है, तो कैसे प्राप्त होगा। तो यहाँ एक वही सूत्र होता है कि h² = p² + b², उसी फॉर्मूला पर यूज करेंगे। तो ध्यान देंगे इसमें क्या दिया है, पहले h दिया है, हाइपोटेनियस दिया है कर्ण, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा दिया इसमें 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया वैल्यू को, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर लेते हैं, और पी का वैल्यू तो नहीं है तो पी लिख देते हैं, प्लस बी फोर, मतलब यहाँ से 7 का, चलिए लिख ही लेते हैं, यहाँ से आएगा
625 और यहाँ से पी स्क्वायर, यहाँ से 49 पी स्क्वायर 625 माइनस 49, तो यहाँ से आप ले सकते हैं यहाँ पे कि पी बराबर रूट, पी को उधर ही छोड़ देते हैं, यहाँ से आ जाएगा पी स्क्वायर बराबर 576 576 और यहाँ से पी रूट में हो जाएगा, जैसे कि सब जान रहे होंगे आप, तो पी बराबर पी 24 का वर्गमूल है। तो यहाँ से आप प्राप्त कर लिए 24 सेंटीमीटर। थोड़ा सा ध्यान देना है, ये इतना करने के बाद अगर एग्जाम में अगर इतना परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस इस सूत्र से निकाले तो बहुत काफ़ी समय व्यतीत होगा आपका, बहुत ज़्यादा काफ़ी। हम आपको कुछ ऐसा ट्रिक्स बता रहे हैं जो मतलब थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन स्पीड हो सकता है, बस ये राइट ट्रायंगल के लिए। तो यहाँ पे लिखा सम इम्पोर्टेंट पाइथागोरस ट्रिपलेट, कुछ महत्वपूर्ण पाइथागोरस ट्रिक हैं। कौन कौन से हैं? वो है 3, 4, 5। ये दुनिया में मात्र 4 ही ऐसे ट्रिपलेट है जिनका बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो कैसे, जांच लीजिए, हमने क्या बोला, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी 5 का वर्ग 25 और अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, अन्य 2 भुजा 3, 3 का 9, 4 का 16, 9, 16 ऐड कीजिए तो क्या हुआ, 25 इधर था तो 25 आ गया। कोई किसी को जांच कीजिए, फिर यहां से जांच करते हैं 16 का ये आपका काम 289 और 289 यहां लिख दीजिए, कर्ण का वर्ग हो गया क्योंकि बड़ी भुजा, और इसमें 2 भुजा का वर्ग कर दीजिए तो 8 का हो जाएगा 64 और 15 का हो जाएगा 225, ऐड करेंगे 289। यानी यही दुनिया में 4 ऐसे ट्रिपलेट है जिनमें सबसे बड़े भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो रट जाना है कौन कौन सा है, 3, 4, 5, 8, 17, 15, 7, 24, 25 और 5, 12, 13। लेकिन अगर कहीं थोड़ा सा बदलेगा कि 3 के जगह पर 6 दे दे और 4 के जगह पर 8 दे दे तब क्या होगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना। ये किया कुछ नहीं यार हमने, सर ने आप तो बताया कि दुनिया में 4 ही है, ये पांचवा कैसे जन्म ले लिया, ये वही चीज है। देखो ध्यान से दोस्त, ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 हुआ, 4 से 2 को मल्टीप्लाई किया 8 हुआ, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दिया 2 से 10 हो गया आंसर। सर ये कैसे वैल्यू पुट होगा बाद में बताइए, प्लीज समझो। यहां क्या किया गया, 8, 17, 15, यहां 16 हुआ, यहां पे 13 हुआ, दिमाग लगाना है, 8 में 2 का मल्टीप्लाई किया 16 और 15 में 2 का मल्टीप्लाई किया 13, तो 70 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 34 और यहां पे आपको होमवर्क रहेगा, सब बना लेंगे देख लेंगे। तो यहां पे थोड़ा सा सावधानी है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट हाउ टू आइडेंटिफाई ऑफ हाइपोटेनस, कर्ण की पहचान क्या और कैसे कर सकते हैं, तो कर्ण की 2 पहचान है दोस्तों, लॉन्गेस्ट साइड, जैसे मैंने 3, 4, 5 ये अलग अलग भुजा है, इसमें सबसे बड़ी भुजा 5 है तो 5 जो है वो हाइपोटेनियस कहलाएगा, बाकी आप बेस कहो चाहे परपेंडिकुलर का, ये दोनों एक ही चीज़ है, किसी को आप बेस किसी को परपेंडिकुलर कह सकते हैं। तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस कहलाएगा और 90 डिग्री का अपोजिट, 90 डिग्री के सामने वाला कोण जो होगा वो हाइपोटेनियस होगा। तो आई के लिए देखते हैं, अगर इसमें मैंने एक ट्रिपलेट बताया 7, 24, 25, अगर हम आपको यहाँ पे दे दिए 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी बात है 25 सेंटीमीटर। अगर हम आपको हम 5 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर दे दिए तो यहाँ पे क्या होगा, तो आप ट्रिपलेट याद किए होंगे 5, 13 और 12 का ट्रिपलेट में, तो 5 और 13 दिया हुआ तो क्या चीज़ नहीं दिया हुआ है, 12 नहीं दिया हुआ। अगर हम आपको यहाँ पे 8, 17 सेंटीमीटर दे दे तो यहाँ पे क्या होगा, तो आपको याद होगा 8, 17, 15 का ट्रिपलेट, 8 है 17 है तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा एक चीज, अगर यहाँ पे 17 ना करके यहाँ पर 17 सेंटीमीटर कर दे और यहाँ पे 8 सेंटीमीटर कर दे तो क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बताएंगे 8, 17 तो 15, जबकि ये गलत है, नहीं यहाँ पर ये ट्रिपलेट काम नहीं करेगा और वो ट्रिक नहीं काम करेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको कि ये P दिया है ये B दिया है तो H निकालना होगा, तो H बराबर क्या हो सकता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो यहां से h बराबर आप निकाल लेंगे, p का वैल्यू बोल देंगे यहां से 17 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, यहां से आप वैल्यू पुट करके निकाल, भले ही वो अंडर रूट में ही रहे कोई दिक्कत नहीं है आपको, 289 ऐसे। यानी मैंने ये कहना चाह रहा था कि अगर सबसे बड़ी भुजा ही कर्ण होती है, अगर वो सबसे बड़ी भुजा जैसे आपने ट्रिपलेट था ना 8, 15, 17, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होनी चाहिए नियम के अनुसार, ट्रिक के अनुसार, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा तो ये परपेंडिकुलर के रूप में दे दिया है। जब परपेंडिकुलर के रूप में दे दिया है तो वो ट्रिक काम नहीं करेगा आपका, वहां से आपको हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा फिर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से, जो हमने बताया h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। आइए नेक्स्ट, अब हम आपको क्वेश्चंस देंगे। क्वेश्चंस फर्स्ट, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, दैट मींस यदि साइन a बराबर 2/3, साइन a के जगह हम साइन थीटा कर ले रहे हैं कुछ समय के लिए, साइन थीटा बराबर 2/3 हो तो फाइंड आल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त करें। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब साइन के अलावा कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्राप्त करना है, तो सभी त्रिकोणमितीय सारे सभी आल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे माइंड यूज करना है। दिया गया है, सबसे पहले हम सॉल्विंग करते हैं ब्लैक। सबसे पहले साइन थीटा जो दिया गया है उसको पी बाई एच से कंपेयर करें, जिससे आपको पी का वैल्यू प्राप्त होगा, एच का वैल्यू प्राप्त होगा, बेस प्राप्त करना होगा आपको। पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा चीज साइन हो गया, अब आप कॉस प्राप्त कर लीजिए। कॉस प्राप्त कर लेंगे तो आपको आपको बेस अपॉन हाइट मिल जाएगा, हाइपोटेनियस मिल जाएगा, आधार बटा कर्ण मिल जाएगा, फिर आपको टैन प्राप्त कर लीजिए, टैन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस एल बटा ए, दैट मींस लंब बटा में आधार, और इसी का रिवर्स कर दीजिएगा तो सारे, जैसे साइन का हमने बताया था उल्टा क्या होता है दोस्तों, कॉसेक थीटा, और कॉस का सेक थीटा, और टैन का कॉट थीटा, इसे प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए प्राप्त करते, मैंने कॉन्सेप्ट में बताया दो चीज, तो सबसे पहले क्या गिवन दैट, क्या दिया गया दोस्तों कि साइन थीटा बराबर 2/3, देखिए मैथ्स का कुछ रूल्स होते हैं, बराबर समय बराबर दिया जाता है, तो ये 2/3 कैसे आया होगा बस यही सोचना है। सर जी ये तो लाल बटा कक्का में कहे तो लंब बटा कर्ण से आया होगा या पी बटा एच से आया होगा, यानी पी बाई एच से आया होगा। यहां से हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर बराबर 2 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनियस, दैट मींस कर्ण बराबर 3 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ आपको। तो हमें क्या नहीं है, तो कॉस्ट बेस नहीं है, आखिर बेस क्यों प्राप्त करें, देखते क्या कोई काम है, तो देखते हैं। हमने कहा कि साइन थीटा वो 2/3 है, तो आल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा प्राप्त करना है आपको। तो कॉस थीटा का वैल्यू जो ही आप सोचिएगा, तो कॉस थीटा के लिए सूत्र क्या होता है, ए ये साइन का है, ये कॉस का है, ये टेन का है, तो कॉस का आधार बटा कर्ण यानी बी बाई एच। तो यहां पे आपको आधार की आवश्यकता पड़ी ना, बेस, तो आधार तो नहीं है हमारे पास, तो आधार प्राप्त करेंगे। अब आधार कैसे प्राप्त करेंगे तो देखेंगे, यहां पे पहले आपको दिया है वो परपेंडिकुलर दिया है, तो यहां से आप आधार प्राप्त करने के लिए सूत्र वही लगेगा कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एच का वैल्यू दिया हुआ आपको ठीक है स्क्वायर प्लस पी, पी का वैल्यू 2 का स्क्वायर दिया हुआ आपको, प्लस बी का वैल्यू यहां से आप प्राप्त कर सकते नहीं है छोड़ देंगे, 3 का 9 होगा प्लस यहां से 4 होगा, अब 9 तो है ना, ये प्लस ये बराबर ये 4 नहीं है, इसके आगे प्लस छुपाया तो इसको इधर लाएंगे तो उल्टा चिन्ह होगा तो -4 हो जाएगा, यानी यहां से बी स्क्वायर बराबर 5 आ गया, यानी बी बराबर अंडर रूट 5 आ गया। ध्यान दें यहां पे, जैसे कि आप पहले ट्रिपलेट लगाना चाह रहे थे,
फिर सर जी ये तो ट्रिपलेट है, तीन चार पांच का नहीं, कैसे दो है ना, तो यहां से हम कर सकते हैं ए बी सी, यहां पे 90 डिग्री थीटा अपने से आप दिखा दे रहा है, तो बनाते हैं यहां से इस थीटा के लिए आ जाता है ये बेस आ जाएगा रूट फाइव, और ये परपेंडिकुलर है आपको 2 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस है दोस्तों 3 सेंटीमीटर। तो अब हमें बेस प्राप्त हो गया इस तरह से, जिसको हम लोग हिंदी में आधार बोल सकते हैं। यहां से देखेंगे ध्यान से, हमें कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, बी बाई एच, तो बी का वैल्यू यहां से क्या प्राप्त हुआ रूट फाइव अपॉन, और एच का वैल्यू क्या दिया है वहां से 3। देखिए, और आपकी अगर आप वीडियो की क्वालिटी या वीडियो अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा है, 3 डॉट पॉइंट पर जाइए, यहाँ से वीडियो की क्वालिटी को आप इंक्रीज कर लीजिए, यहाँ तब आपको वीडियो अच्छा दिखाई देगा। दूसरी चीज, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो कॉपी कलम लेकर बैठिए, क्योंकि मैथ है, और बना जब ये बना लेते हैं सवाल को तो वीडियो को स्टॉप कीजिए, स्टॉप करके सवाल को लिख करके, क्वेश्चन को लिख करके बोर्ड पर से जो दिया गया है उसे उतारिए, आप कॉपी कीजिए, इसके बाद आगे बढ़ाइए, फिर मैं जब होमवर्क दूंगा तो होमवर्क बनाइए बैठ करके, बाद में बना सकते हैं, उससे बहुत कोई जरूरी नहीं है। चलिए, और अपने होमवर्क का आंसर सभी क्वेश्चन, सभी बच्चे अपने होमवर्क का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तो यहां से टेन थीटा का वैल्यू प्राप्त कर लीजिए, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, यानी यहां देख लेंगे ये टेन लंबा टर्म में आधार, यहां से पी बाई बी, पी बाई बी, पी का वैल्यू यहां से देख लेंगे, या एल बाई ए कोई दिक्कत नहीं है, पी पी मतलब ये दिया है ना 2 अपॉन बी आया रूट फाइव, थोड़ा सा बराबर के सामने बराबर देने से सुंदरता बढ़ती है। तो सेक थीटा का वैल्यू प्राप्त करने के लिए आपको पुनः फॉर्मूला लगा सकते हैं कि कॉस्ट सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, तो ये कॉस्ट थीटा का सूत्र है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा का उल्टा कर्ण बटा आधार, इंग्लिश मीडियम में बी बाई एच है कॉस्ट थीटा का, ये है कॉस का, ये है साइन का, ये है टेन का, तो कॉस थीटा का सूत्र बी बाई एच होता है, तो कॉस का ही उल्टा होता है सेक, तो सेक का सूत्र क्या हो जाए एच बाई बी, यानी एच बाई बी, यानी एच का वैल्यू बता देंगे वहां से 3 सेंटीमीटर अपॉन बी का वैल्यू क्या होगा यहां से अंडर रूट 5 सेंटीमीटर, या डायरेक्ट यहां देखिए, यदि आपको कॉस आप जानते हैं कि साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, यही होता, तो यहां से कॉस थीटा का वैल्यू आपको प्राप्त है अंडर रूट 5 अपॉन 3, तो सेक थीटा का वैल्यू 3 अपॉन अंडर रूट 5, जब टैन थीटा का वैल्यू आपको प्राप्त है 2 अपॉन अंडर रूट 5, तो कॉट थीटा का वैल्यू तो आसान है ना, इसको ऊपर कर दीजिए अंडर रूट 5 अपॉन 2, आंसर सेंटीमीटर में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको सेम बेस उसी क्वेश्चन पे है, इफ टेन थीटा इज इक्वल टू 11 देन फाइंड आयर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, दैट मींस यदि टेन थीटा बराबर 11 है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान प्राप्त करें, तो टेन थीटा बराबर 11 दिया है तो 11 कैसे आया होगा, लंबवत आधार से आया होगा, दैट मींस परपेंडिकुलर अपन बेस से आया होगा, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 11 को हम लोग पी बाई बी कर लेंगे, तो अपन 1 कर लेंगे इसको, ये 11 है, 11 अपन 1 लिख सकते हैं, इसको कंपेयर करके P बराबर 11 हो जाएगा, B बराबर 1 हो जाएगा, आपको H प्राप्त कर लीजिए, इससे H प्राप्त करके tan थीटा का वैल्यू प्राप्त है, तो cot थीटा बराबर अपने आप प्राप्त हो गया 1/11 हो जाएगा, 1/11 हो जाएगा, फिर sin थीटा का, cos थीटा का, cos थीटा का, sec थीटा का वैल्यू प्राप्त कर लीजिए, ये होमवर्क मिलेगा आपका। चलिए नेक्स्ट, cosec थीटा बराबर अंडर रूट 3 है देन फाइंड ऑल ट्रिकोणमिति, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त करें, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब ये हुआ दोस्त कि हमने जो दिया है कॉसेक थीटा का वैल्यू अंडर रूट 10 है, इसको छोड़ा करके साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू, सेक थीटा का वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू और कॉट थीटा का वैल्यू प्राप्त करना है। तो यहां से इसको हम लोग देखते हैं, गिवेन दैट कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट 10, ये सोचना है कि अंडर रूट 10 कैसा आया होगा, तो ध्यान देंगे कॉसेक थीटा सूत्र नहीं होता है, तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, यहां लिख लीजिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक, या कॉसेक का उल्टा होता है साइन, कॉस का उल्टा होता है सेक, या सेक का उल्टा होता है कॉस थीटा, तो यहां से टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, या कॉट थीटा का उल्टा टैन थीटा, तो कॉसेक थीटा का सूत्र नहीं होता है, तो साइन थीटा का सूत्र याद रखिए, साइन थीटा वाला सूत्र क्या होता है, एल बटा के,
लाल बटा काका में एल बटा के, तो कॉस ऑफ थीटा इसी का उल्टा गया, के बटा में एल, या कह सकते एच बटा में पी, यानी एच बटा में पी, या हम कह सकते के बटा में एल। तो यहाँ ध्यान देंगे अंडर रूट टेन बराबर के सामने बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से आपका निकल गया के मतलब कर्ण, या है तो इसको एच, एच का वैल्यू क्या प्राप्त हो गया, एच बराबर अंडर रूट टेन हुआ दोस्तों, और पी बराबर वन प्राप्त हुआ। चलिए अब हमें चाहिए क्या, साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू और टैन थीटा का वैल्यू, और ये तो सेक थीटा कॉट थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू तो प्राप्त है, वैसे देख लेते हैं, अरे भाई कॉस थीटा अंडर रूट टेन है तो टेन अपन, तो इसको हम लिख देंगे वन अपन अंडर रूट टेन। सूत्र से ही प्राप्त सकते हैं लंब बटा कर्ण एल बटा के, तो लंब क्या है इसमें, हाँ लंब नहीं प्राप्त है तो लंब प्राप्त करना होगा, हमने लंब प्राप्त है तो वन अपॉन टेन। यहाँ ध्यान देंगे कॉस थीटा बराबर कैसे प्राप्त हो, तो कॉस थीटा के यहाँ ध्यान दीजिए ए बटा के, दैट मीन्स बी बाई एच, बी बाई एच। तो अब हमें क्या आवश्यकता पड़ा, आधार का आवश्यकता पड़ा, तो आधार बेस है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे एच और पी दिया हुआ लेकिन बेस नहीं है, जब बेस नहीं है तो बेस निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस फार्मूला क्या है, एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से हटाइए इसको तो इधर कर सकते हैं, तो एच स्क्वायर कितना दिया है अंडर रूट टेन का स्क्वायर, और पी, पी का वैल्यू वन का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बराबर के सामने बराबर दीजिए, बी स्क्वायर टेन होगा ना, अंडर रूट टेन का वर्गमूल क्या होगा अंडर रूट हंड्रेड, और अंडर रूट हंड्रेड का वर्गमूल क्या होगा टेन होगा, डायरेक्ट हम टेन लिखते हैं, माइनस वन, फिर से समझ लीजिए अंडर रूट टेन का वर्ग है तो दो बार गुणा करेंगे अंडर रूट टेन, अंडर रूट टेन, यानी कि अंडर रूट टेन कभी भी जैसे टेन का वर्ग लिखना है तो स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, टेन में टू का मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं दस में दो का गुणा नहीं, दस में दो बार गुणा करेंगे हम लोग, यानी टेन इंटू टेन। तो यहाँ से और हम डायरेक्ट यहाँ से दिखा रहे कि अंडर रूट टेन का डायरेक्ट स्क्वायर करें तो टेन कैसे हुआ ये बता रहे, जैसे ध्यान देंगे अंडर रूट टेन का स्क्वायर किए तो अंडर रूट टेन इंटू अंडर रूट टेन, दैट मीन्स अंडर रूट हंड्रेड, यानी वर्गमूल निकल गया टेन, या इसी तरह से हम डायरेक्ट बता रहे कि अंडर रूट में कोई भी अंक रहे और उसका वर्गमूल वर्ग निकालेंगे तो उसका डायरेक्ट एक ही वही अंक उत्तर, जैसे अंडर रूट फाइव का वर्ग करेंगे तो क्या होगा फाइव, अंडर रूट थ्री का वर्ग करेंगे तो क्या होगा थ्री, अंडर रूट फोर का वर्ग करेंगे, फोर्थ का हालत तो टू हो जाएगा बट यहाँ पर ध्यान देंगे फाइव, इसका वर्ग करेंगे तो डायरेक्ट फाइव, कैसे अंडर रूट फाइव में अंडर रूट फाइव का मल्टीप्लाई करना ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव का वर्गमूल हो जाएगा फाइव। चल यहाँ से देखते हैं इसको हटाते हैं, तो प्राप्त हुआ यहाँ से तो बी स्क्वायर बराबर क्या प्राप्त हुआ नाइन, तो बी बराबर बेस बराबर क्या प्राप्त हो गया अंडर रूट, तो बी बराबर ये थ्री का वर्गमूल है थ्री सेंटीमीटर। अब यहाँ से प्राप्त करिए बी का वैल्यू कितना हो गया थ्री बाई एच का वैल्यू क्या है, यहाँ से देख सकते हैं अंडर रूट टेन। तो अब टेन थीटा का वैल्यू देखेंगे, टेन थीटा क्या है लंब बटा आधार होता है, टेन थीटा का एल बटा ए, एल बटा ए दैट मीन्स पी बाई बी, पी बाई बी, पी का वैल्यू क्या है वन और बी का वैल्यू क्या है थ्री सेंटीमीटर, और सेक थीटा आप जानते हैं कॉस थीटा का उल्टा होता है ना, तो डायरेक्ट लिखिए ना अंडर रूट टेन अपॉन थ्री सेंटीमीटर, कॉस थीटा टेन थीटा का उल्टा है, टेन थीटा बराबर एक बटा तीन है तो ये क्या हो जाएगा थ्री अपॉन वन आंसर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कदम रखते हैं, अभी इस असुविधा के लिए हमें खेद है, आवाज और नहीं जा रहा हुआ ठीक ढंग से, मेरा कैमरा जो था और ये मोबाइल से रिकॉर्डिंग चल रहा है, कैमरा का बैटरी खत्म हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा मेरे वो आपको असुविधा होगा, इसलिए हमें खेद है, मैं आपको प्रयास करूंगा कि अगले बार ये डिस्टर्बेंस ना हो। नेक्स्ट देखते फिफ्टीन क्वार्टी बराबर एट है, देन फाइंड आइसोट्रिक रेशियो, तो हमें हिंदी में पंद्रह पॉइंट ए बराबर आठ है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त करना, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता क्या है वो समझिए, कॉट को छोड़ा दीजिए तो क्या मिलेगा आपको टेन ए, फिर साइन ए, यहां से आती है साइन कॉस टेन, साइन ए कॉस ए टेन टेन ए, और इसका उल्टा कॉसेक ए, और इसका उल्टा बोलिए बोले सेक ए, और इसका उल्टा कॉट ए, कॉट ए तो दिया है छोड़ देंगे, तो यहां से फिफ्टीन कॉट के बराबर एट है, तो इसको हम लोग सोल्यूशन करते समय एक चीज कॉट ए बराबर हम लिख सकते हैं एट, ये गणित का अक्षर गणित की तरफ दीजिए ना फिफ्टीन, तो ये सोचिए कि एट अपॉन फिफ्टीन कैसे आया होगा फॉर्मूला से, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का फॉर्मूला लंबा बटा आधार,
यानी पी बाई बी, तो टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट बराबर क्या ए बाई एन हो जाएगा, ए बाई एन, इसी को हम लोग कह सकते हैं बी बाई पी कह सकते हैं। तो यहां से कंपेयर कर लेंगे तो बी बराबर क्या मिल गया आपको एट और पी बराबर क्या मिल गया फिफ्टी। अब यहां पे ट्रिप्लेट काम कर सकता है, देखते हैं, नहीं हाँ देखते ट्रिप्लेट ये है दोस्तों, इसको फिगर बना सकते हैं आप ए बी सी, अभी फिगर कर सकता नहीं पड़ेगा, ध्यान दें थोड़ा सा, ये बी बेस दिया है 8 सेंटीमीटर और पी 15 सेंटीमीटर है और हमें क्या चाहिए एसी नहीं है ना, यहां पे एसी की आवश्यकता पड़ेगा क्योंकि कर्ण की आवश्यकता तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहां ध्यान देंगे कोई ऐसा ट्रिपलेट है याद आ रहा है जो इसमें होगा, हाँ वो है एट फिफ्टीन सेवनटीन। अब उसको फॉलो करके देखेंगे कि 17 सबसे बड़ी भुजा होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट साइड होनी चाहिए और वो हाइपोटेन्यूस ही होना चाहिए, देखते हैं। हाँ एक बेस है 15 परपेंडिकुलर लंबा है तो एक 15 17 का ट्रिपलेट आता है 17 सेंटीमीटर। देखिए बिना यहां से हमें फाइनल किए निकल गया, ये आ गया। ये आपको उपाय तब अपनाना है जब एग्जाम में लेट हो रहा हो, आपके पास समय बहुत कम बचा हो, तो डायरेक्ट 8 15 17 कर दीजिए, लेकिन एग्जामिनर्स आपको नंबर नहीं भी दे सकते तो निकालना पड़ेगा। यानी ये निकाल सकते हैं हम लोग एसी स्क्वायर, यानी एच है ना, क्यों कैसे बताएंगे क्योंकि 90 डिग्री के सामने है, तो ध्यान देंगे एच बराबर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर पी, वैल्यू बता सकते हैं 15 का स्क्वायर, हम डायर लिखे 15 का स्क्वायर, 15 के स्क्वायर कहने का मतलब क्या 15 × 50 ऐसे प्लस बी फॉर बेस, एट का स्क्वायर मतलब एट अपॉन एट सॉरी 8 × 8 एंड एच स्क्वायर बराबर यहां से 225 प्लस 8x = 4, यहां से एच स्क्वायर बराबर 289, यहां से एच बराबर ये हो जाएगा ये किसका 289 एंड एच बराबर यहां से 7 हुआ किसका ये वर्गमूल 17/17 कर सकते हैं एंड एच बराबर जब वर्गमूल प्राप्त ना तो दो होता है एक हो जाता है 17 सेंटीमीटर। चलो अब यहां से अब प्राप्त कर लिए एच बराबर 17 सेंटीमीटर। साइन ए, साइन ए का देखिए लाल बटा कटा से या इससे एल बटा के या पी बाई एच, पी बाई एच तो ध्यान देना दोस्त कि यहां पे क्या हो सकता है पी बाई एच, पी पर परपेंडिकुलर 50 अपॉन, आप इसे फिगर को ना बनाए फिगर से थोड़ा सा सस्ती समझता है, पी बाई एच पी का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ यहां से 50 और एच का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ 17। चलिए सेंटीमीटर में दोस्त कॉस बराबर क्या होता है ए बटा आधार बटा कर्ण इन बाई एच या बेस अपॉन एच। चलिए आधार बेस क्या है बी क्या है एट अपॉन एच, हाइपोटेन्यूस क्या है 17 और यहां से टेन थीटा एल बटा टी होगा एल बटा ई होगा इंग्लिश में कह सकते हैं इसको पी बाई डी, तो यहां से प्राप्त हो गया पी का वैल्यू क्या होगा दोस्तों पी का वैल्यू क्या होगा 50 और डी का वैल्यू क्या होगा दोस्तों यहां से 8 सेंटीमीटर। अब इनको प्राप्त करना है तो सिंपल सी बात है आपको साइन में क्या होता है दोस्तों तो ये कोसेक किसका होता है साइन का, तो साइन का 15/17 × 17/15 और सेक का तो कोस का उल्टा कोस का वैल्यू क्या 8/17 × 17/8 सेंटीमीटर होगा सर। अब इसलिए आपको होमवर्क दिया जाएगा, होमवर्क बनाने का प्रयास कीजिएगा, समझ में आया आपको एक बार फिर से 15 कॉट ए बराबर 8 है तो हमें कॉट ए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इतना रख ले गणित का अच्छे पर रख कर दे कॉन्स्टेंट क्वांटिटीज को और 8/8 जो आया वो कैसा आया है फॉर्मूला से आया होगा यानी ए बाई एल से आया होगा राइट बटन लंब से आया होगा कॉट थीटा बराबर हाँ एल टेन थीटा बराबर एल बाई ए एल बाई ए तो कॉट थीटा बराबर ए बाई एल यानी बी बाई पी यहां से हम बी का वैल्यू प्राप्त कर लिए और पी का वैल्यू प्राप्त कर लीजिए बीपीएच ही यूज कीजिए अच्छा रहेगा बीपीएच ही यूज कीजिए अच्छा रहेगा तो बी का वैल्यू ऐसे कंपेरिजन कर लेते हैं इसके ऐसा वैल्यू प्राप्त हुआ इसका ऐसा वैल्यू प्राप्त हुआ एक बी बराबर एट और पी बराबर 15 बस अब यहां से बी पी है एच नहीं है एच निकाल लेते हैं
17 आ गया, अब वहां से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट आज वीडियो लंबा होगा इससे आप घबराएंगे नहीं और क्लास में एकदम पूरी मस्ती के साथ हम लोग पढ़ेंगे। हाँ थोड़ा सा एक चीज और, यहाँ पे एक था और कॉस ए बराबर ए अपॉन 15 था, ठीक है। अगर इसमें आप मान लो ऐसे निकाल लेते दोस्त 17, ठीक है 17 आप निकाल लिए, अगर कॉस ए था, अगर कहीं साइन बी दे दे तब और कॉसेक सी दे दे, कॉस सी दे दे तब। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि मेरा कोई भी लेटेस्ट वीडियो हो तो आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो मेरा बहुत जल्दी आने वाला है, तो आज तक के लिए, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।